नमस्ते छात्रों, आज अपन पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे के बारे में अध्ययन कर रहा है। संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, इनके बारे में अपने को अध्ययन करता है। और रेशे जैसे कोई रेशा है, धागे से अपने वस्त्र बनते हैं। तो जो ये रेशे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक रेशे और दूसरा होता है संश्लेषित रेशे। तो यहाँ लिखेंगे अपन, रेशे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। ऐसे रेशे जो अपन को प्राकृतिक पदार्थों से मिलते हैं, उन्हें अपन प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे और प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त होते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीजें जो अपने को पेड़ पौधों से और इनसे पादप उत्पादों से प्राप्त होती है, जैसे अपने को ये होती है कपास यानी रुई, रुई के बाद रेशम, रेशम के बाद ऊन, और ये ऐसी चीजें जो प्राकृतिक और जंतु उत्पादों से प्राप्त होती है, ये अपन प्राकृतिक रेशे के अंदर लिखेंगे। और ऐसे रेशे जो पादप एवं जंतु उत्पाद से प्राप्त होते हैं। ऐसे रेशे जो पादप एवं जंतु उत्पाद से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अगर इनके उदाहरण देखिए, अपन उदाहरण के अंदर आ जाएगा ऊन, रेशम, कपास। ये जो रेशे होते हैं, ये अपने को प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद दूसरा सेकंड नंबर होता है कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? ऐसे रेशे जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उत्पादों को मिलाकर जो बनाते हैं, उन्हें संश्लेषित या कृत्रिम रेशे कहते हैं। जिनका निर्माण अपन मशीनों में या रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, तो उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। ऐसे रेशे जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, उसे संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे कहते हैं। इसके जो उदाहरण लिखेंगे अपन, नाइलोन, रेयोन, पॉलिएस्टर, और एक्रिलिक। संश्लेषित रेशे के बारे में एक बार वापस देख सकते हैं, ऐसे रेशे जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, उसे संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। इसके जो उदाहरण है, नाइलोन, रेयोन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक। ये जो रेशे हैं, ये संश्लेषित रेशों के अंदर आते हैं। तो इनको अपने को याद रखना है, इनके उदाहरण और परिभाषा दोनों की याद रखनी है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषित और प्राकृतिक रेशे। ऐसे रेशे जो पादप एवं जंतु उत्पाद से प्राप्त होते हैं, वो तो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, ऊन, रेशम और कपास। दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित रेशे, जो मनुष्य द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है, उसे संश्लेषित रेशे कहते हैं। उदाहरण है नाइलोन, रेयोन, पॉलिएस्टर। इसके बाद
एक परिभाषा लिखनी बहुलक की है। बिल्कुल, बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक, बहुलक की परिभाषा होती है अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करती है, जो बहुलक कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? अनेक छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयां मिलकर एकल इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जिसे बहुलक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, एकल इकाई बनाते हैं। उससे बहुलक कहते हैं। अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक को अपन अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। अब बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर दो शब्दों से बना हुआ ग्रीक भाषा के, एक तो पॉली था मर से, जिसका पॉली का अर्थ था अनेक, मर का अर्थ होता है इकाइयां। तो यहां लिखेंगे अपन, ये डाल के लिख लेना सेकंड नंबर, बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पॉली प्लस मर, पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई। एक बार वापस देख लेते हैं, बहुलक की परिभाषा क्या होती है? अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एक इकाई बनाते हैं, एकल इकाई बनाते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली तथा मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है इकाइयां, यानी अनेक इकाइयां मिलकर जो एक संरचना बनाती है उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, बहुलक का प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे कपास है, कपास भी एक बहुलक का उदाहरण है, जो सेलुलोज नामक मतलब पाए जाते हैं, उसमें सेलुलोज पाया जाता है कपास के अंदर। और सेलुलोज बड़ी संख्या में मिलकर ग्लूकोज की इकाइयों का निर्माण करते हैं। इसके नीचे लिख लेंगे अपन इसके बाद में, बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं, बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं कपास एक बहुलक है, कपास एक बहुलक है। जो सेलुलोज कहलाता है, कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। और सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई द्वारा निर्मित होते हैं, सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई द्वारा बने होते हैं, ग्लूकोज
इकाइयों द्वारा बने होते हैं, द्वारा बने होते हैं। ये हो गया बहुलक। प्रकृति में पाए जाते कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता, कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता, सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा बने होते हैं। इसके बाद जो संश्लेषित रेशे इनके प्रकार के बारे में अपने को पढ़ना है, संश्लेषित रेशों के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे हम हेडिंग डालेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार, संश्लेषित रेशों के प्रकार, संश्लेषित रेशों के प्रकार फर्स्ट डालना अपने को रेयोन, रेयोन के बारे में पढ़ना है। देखो जो स्टार्टिंग में पहले क्या रेशम का उत्पादन करते थे, रेशम का जो उत्पादन स्टार्टिंग में कहां से हुआ, चीन से हुआ। जैसे जैसे रेशम का उत्पादन बढ़ने लगा तो उसकी मांग बढ़ने लगी और महंगा होने लगा रेशम, तो उसको उसकी तुलना में ऐसी कोई चीज का उत्पादन करें जो उसके जैसे ही गुण रखते हो उनसे ज्यादा और अच्छा हो, तो फिर उसका उत्पादन किया गया रेयोन का। तो रेयोन के बारे में पढ़ते हैं। रेशम के रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा है परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम की कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए हैं। रेशम के समान गुण रखने वाला रेशे को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेयोन, रेयोन जो प्राप्त किया गया काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से रेयोन को प्राप्त किया गया। यहाँ लिखेंगे अपन काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा रेयोन को प्राप्त किया गया, रेयोन को प्राप्त किया गया। रेयोन को कैसे प्राप्त किया, काष्ठ लुगदी के होती उसके ऊपर रासायनिक क्रिया करवा के रेयोन को प्राप्त किया गया। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है, ये मालूम होने में तो, और ये जो रेशा जो रेशम से सस्ता होता है, रेशम की तुलना में सस्ता होता है और रेशम क्या महंगी होती है। उसके बाद रेयोन का जो रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर गलीचे बनाते हैं, तो उनके उपयोग ध्यान रखना भाई। रेयोन का उपयोग बिस्तर की चादरें बनाने में, चादरें बनाने में कालीन व गलीचे बनाने में, कालीन व गलीचे बनाने में होता है। रेयोन का आविष्कार किसकी तुलना में, सबसे पहले तो क्या रेशम का उत्पादन होता था प्राचीन समय में, पर रेशम का जो बहुत महंगी होती थी रेशम, तो उसके तुलना में एक ऐसा उत्पाद बनाया जाए जो सस्ता हो और अच्छा हो, टिकाऊ हो, और तो ऐसा उत्पाद क्या बनाया, रेयोन बनाया। रेयोन को कैसे प्राप्त किया, काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा रेयोन को प्राप्त किया जाता है। जो प्राप्त रेयोन है उससे क्या क्या यूज होते, बिस्तर की चादर बनाने में किया जाता है उसका उपयोग, कालीन और गलीचे बनाने के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपन सेकंड नंबर डाल के लिखते हैं नाइलोन, नाइलोन संश्लेषित रेशों में सेकंड नंबर पर है नाइलोन, नाइलोन, नाइलोन प्रथम मानव संश्लेषित रेशा है। इसको लिखेंगे अपन, यह प्रथम मानव संश्लेषित रेशा है, मानव संश्लेषित रेशा है। देखो नाइलोन का जो आविष्कार हुआ, जो प्रथम संश्लेषित जो रेशों के निर्माण किए गए विभिन्न प्रकार के, उसमें सबसे पहले जो निर्माण हुआ नाइलोन का हुआ, तो प्रथम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नाइलोन रेशा। ये अपने को याद रखना, अपने को जो नाइलोन का, नाइलोन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। सन 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के
उपयोग किए बिना बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया। यहाँ लिखेंगे सन 1931 में इसका निर्माण किया, सन 1931 में इसका निर्माण किया गया, इसका निर्माण किया गया। उसके बाद ये जो बनाया गया था ये किससे बनाया गया था, कोयला। इसका निर्माण कोयला, जल तथा वायु से किया गया, जल तथा वायु से किया गया। तो स्टार्टिंग में जो इसका निर्माण किया गया 1931 में, कोयला, जल तथा वायु से इसका निर्माण किया गया। लाइलोन का जो रेशा होता है, एक तो प्रत्यास्थ होता, प्रत्यास्थ मतलब जिससे अपन खींच सकते हैं, दूसरा प्रबल होता, प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है, ये चमकीला होता, धुलने में सुगम होता है। लाइलोन की जो क्या क्या क्वालिटी रहती है उसके अंदर, एक तो प्रत्यास्थ होता है, दूसरा चमकीला होता है, धुलने में सुगम रहता है और ये कपड़ों के निर्माण हेतु प्रचलित होता है। लाइलोन के जो उपयोग होते हैं, एक बार एक चीज और लिख लेते हैं अपन, लाइलोन, लाइलोन का तार इस्पात से, तार से भी ज्यादा मजबूत होता है, ये चीज लिख सकते हैं अपन यहाँ, लाइलोन का तार इस्पात, इस्पात का मतलब होता है स्टील, लाइलोन का तार इस्पात से भी ज्यादा मजबूत होता है, मजबूत। इसके जो उपयोग है लाइलोन के, वो उपयोग क्या क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जुराबे बनाने में, जुराबे बनाने में, जुराबे, रस्से, ऐसे लिख लेते रस्से, तंबू, कारों की सीट के पट्टे, पर्दे आदि में। लाइलोन का उपयोग होता है जुराबे बनाने में, रस्से बनाने में, जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो वो रस्से बनाते हैं जो लाइलोन के होते हैं, वो रस्से क्या बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। फिर तंबू बनाने में, कारों के सीट बेल्ट बनाने में तथा पर्दे बनाने में, विभिन्न प्रकार के पर्दों का निर्माण करने में लाइलोन का उपयोग किया जाता है। और लाइलोन का जो तार होता है वो इस्पात के तार से ज्यादा मजबूत होता है। और लाइलोन का उपयोग पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर डाल के लेना अपने को पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक। थर्ड नंबर पे क्या, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक। पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक, ये तीनों ही प्रकार है इसके। तो इसके तीनों के प्रकार में जो पॉलिएस्टर जो संश्लेषित रेशा है, इसको कपड़े में आसानी से सिलावटें नहीं पड़ती, जो पॉलिएस्टर जो रेशे होते हैं ना, इनके जो कपड़े बनते हैं उनके ऊपर सिल नहीं पड़ती, यानी सिलावटें नहीं पड़ती है, और इसको धोने में बिल्कुल आसानी रहती है। और टेरिलिन का एक लोकप्रिय बहुलक है पॉलिएस्टर, ये लिखना आपने को, टेरिलिन, टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। और उसके बाद अपने को एक और लिखा पेट, पीटी, पेट एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर है। पीईटी की फुल फॉर्म लिखनी है अपने को, पीईटी की फुल फॉर्म है, पीईटी का पूरा नाम पॉलीएथिलीन टेट्राहेड्रल, पॉलीएथिलीन
कर थेले पॉलीएथिलीन तर थेले पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है पॉलीएथिलीन तर थेले। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है, पेट एक प्रकार का पॉलीएस्टर है और पीईटी का पूरा क्या नाम होता है पॉलीएथिलीन तर थेले। और जिस इसका उपयोग कहाँ होता है बोतल बनाने में, फिल्म तार और अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने में। इसके बाद हम सर्दियों में विभिन्न प्रकार के सोले स्वेटर कंबलों का उपयोग करते हैं, इनमें प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यदि भी वे सदृश उनके जैसे दिखाई देते हैं। तो संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। पॉलीएस्टर जो पॉली प्लस एस्टर से मिला बन के बना होता है, पॉलीएस्टर पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इस प्रकार जो इसके तीनों प्रकार थे, एक तो लाइमर के बारे में पढ़ा अपन ने, दूसरा रेयोन के बारे में पढ़ा था और तीसरा अपन ने पॉलीएस्टर तथा एक्रिलिक के बारे में पढ़ा है। बाकी जो इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट जो बच रहा है प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो अपन अध्ययन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। और बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।